स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो हम लोग कर रहे थे कंडीशनल सेंटेंस की एक्सरसाइज, ठीक है? कुछ एक्सरसाइज जो है वो मैंने आपको करवाई थी, आज मैं और करवाऊंगी। तो आप लोगों ने घर में उसको रिवाइज किया है जो मैंने करवाया था? काम किया है ना? आप लोगों को बार बार उसको रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी आगे ना आए। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस वन, इफ आई हैड नॉट कम एट दैट मोमेंट, क्या है? इफ आई हैड नॉट कम एट दैट मोमेंट, रहीम मे बी अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल क्रिमिनल। मीन्स कि अगर उस क्षण में नहीं आता या आती, ठीक है, अगर उस क्षण में नहीं आता तो क्या होता? रहीम में भी अरेस्टेड, रहीम जो था वो अरेस्ट हो सकता था इंस्टेड ऑफ द रियल क्रिमिनल। रियल क्रिमिनल की जगह रहीम को अरेस्ट किया जा सकता था। समझ गए आप लोग क्या है? इफ आई हैड नॉट कम एट दैट मोमेंट, अगर उस क्षण में नहीं आता, इफ आई हैड नॉट कम एट दैट मोमेंट, रहीम में भी अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल क्रिमिनल। रहीम को रियल क्रिमिनल की जगह अरेस्ट किया जा सकता था, ठीक है? तो समझ आ गई आपको सेंटेंस की? तो आप लोग ये बताओ कि हमारा एरर कहाँ है। आप लोग थोड़ा देखो, ठीक है, इफ क्लास को देखो, मेन क्लास को देखो, सबको देखो, ठीक है, देखो कि कहाँ पर जो है हमारा एरर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देखो, इफ आई हैड नॉट कम एट दैट मोमेंट, ठीक है, रहीम मे बी अरेस्टेड, शाबाश, देखो क्या आएगा। इफ आई हैड नॉट कम एट दैट मोमेंट, रहीम मे बी की जगह आएगा माइट हैव बीन, क्या आएगा? रहीम माइट हैव बीन, ठीक है, क्या आएगा? रहीम माइट हैव बीन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल क्रिमिनल। समझ गए आप लोग, ठीक है, क्या है सेंटेंस? इफ आई हैड नॉट कम एट दैट मोमेंट, अगर मैं उस क्षण नहीं आता, इफ आई हैड नॉट कम एट दैट मोमेंट, रहीम मे बी की जगह आएगा माइट हैव बीन, मे बी की जगह क्या आएगा? माइट हैव बीन अरेस्टेड इंस्टेड ऑफ द रियल क्रिमिनल। तो रहीम जो है वो रियल क्रिमिनल की जगह रहीम को अरेस्ट किया जा सकता था, ठीक है। आप लोगों को समझ आई सेंटेंस की? चलो नेक्स्ट, व्हेन गैलीलियो वेंट होम, जब गैलीलियो घर गया, क्या है? व्हेन गैलीलियो वेंट होम, जब गैलीलियो घर गया, ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद द पेंडुलम, उसने क्या करना शुरू किया? एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। व्हेन गैलीलियो वेंट होम, ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद द पेंडुलम, उसने पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एंड राइट हिज ओन थ्योरी, और अपनी जो है वो थ्योरी लिखी, ठीक है। तो ये सेंटेंस है। अब आप बताओ कि इस सेंटेंस में एरर कहां पे है, क्या है, क्या बताना है आपने कि इस सेंटेंस में एरर कहां पे है? व्हेन गैलीलियो वेंट होम, ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद द पेंडुलम एंड राइट हिज ओन थ्योरी, और उसने अपनी थ्योरी लिखी। देखो बेटा, यहां पर आप देखो, ये जो है यहां पर व्हेन गैलीलियो वेंट होम, कौन सी फॉर्म लगी है? वेंट, वी टू लगी है, गो होती है फर्स्ट फॉर्म वी वन, ठीक है। यहाँ पर वेंट लगा है, इट मीन्स वी टू लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, वी टू। तो व्हेन गैलीलियो वेंट होम, तो क्या आएगा? ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद द पेंडुलम एंड राइट की जगह क्या आएगा? राइट की जगह आएगा रोट, राइट की जगह क्या आएगा? रोट, डब्ल्यू आर ओ टी ई, रोट, ठीक है, क्या आएगा? रोट। व्हेन गैलीलियो वेंट होम, जब गैलीलियो घर गया, ही बिगेन टू एक्सपेरिमेंट विद द पेंडुलम, उसने पेंडुलम के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एंड रोट हिज ओन थ्योरी, और अपनी थ्योरी जो है वो लिखी। हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। ये लिखा है मैंने डब्ल्यू आर ओ टी ई, रोट, यानी वी टू लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ वन इज डिसऑनेस्ट, क्या है? इफ वन इज डिसऑनेस्ट, वन विल नॉट बी
रिलायबल टू एनी वन। अगर कोई डिसऑनेस्ट है तो वन विल नॉट बी रिलायबल टू एनी वन। ठीक है, तो वह किसी के प्रति रिलायबल नहीं हो सकता यदि वो किसी का भरोसा नहीं जीत सकता। तो आप ये बताओ कि हमारा एरर कहां है। शाबाश, शाबाश, जल्दी करो बताओ हमारा एरर कहां है। इफ वन इज डिसऑनेस्ट, अगर कोई डिसऑनेस्ट है वन विल नॉट बी रिलायबल टू एनीवन। तो यहां पर क्या आएगा, इफ वन इज डिसऑनेस्ट इज में है तो यहां पर हम विल नॉट बी में ये नहीं दे सकते सेंटेंस। क्या है ये विल नॉट बी जो है ये हमारा एरर है, इसको हमने बाहर निकालना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ निकाले हैं मे बी को, माइट हैव बीन किया है, ठीक है, राइट को हमने किया है, रूट किया है, सेकंड फॉर्म लगाई है। इसी तरह इफ वन इज डिसऑनेस्ट, अगर कोई डिसऑनेस्ट है वन विल नॉट बी नहीं आएगा। क्या आएगा, वन इज नॉट रिलायबल टू एनीवन। इस में है ना, ये हमारा जो आगे वाला इफ क्लॉज है वो किस में है, इस में है। यहां पर हम देखेंगे इज नॉट, वन इज नॉट रिलायबल टू एनीवन। क्या आएगा, वन इज नॉट रिलायबल टू एनीवन। ठीक है, नेक्स्ट वन, इफ यू फाउंड माय मिसिंग वॉच यस्टरडे यू वुड रिटर्न इट टू मी। क्या है हमारा सेंटेंस, इफ यू फाउंड माय मिसिंग वॉच यस्टरडे, ठीक है, यू वुड रिटर्न इट टू मी। अगर तुम्हें किसी ने कोई घड़ी खोदी होगी, गिर जाती है घड़ी, मोस्टली लोगों की घड़ी गिरती है, ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ यू फाउंड माई मिसिंग वॉच यस्टरडे, अगर तुम्हें मेरी मिसिंग वॉच जो है वो कल मिली होगी, यू वुड रिटर्न इट टू मी, तुम उसे मुझे वापिस कर दोगे। क्या सेंटेंस है, इफ यू फाउंड माई मिसिंग वॉच यस्टरडे, अगर मेरी मिसिंग वॉच तुम्हें कल मिली होगी, यू वुड रिटर्न इट टू मी। ठीक है, तो बताओ इस सेंटेंस में एरर है या नहीं है। शाबाश, बताओ, तो इस सेंटेंस में एरर नहीं है। क्या है, इस सेंटेंस में एरर नहीं है, तो हम लिखेंगे नो एरर। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो हम नो एरर को टिक कर देंगे। किसको टिक करेंगे, नो एरर को टिक करेंगे। ठीक है, चलो, हैड यू टोल्ड मी अबाउट हिज कैरेक्टर, क्या है, Had you told me about his character, I would not trust him at all. अगर तुमने मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में बताया होता, क्या है, अगर तुमने मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में बताया होता, I would not trust him at all. मैं कभी भी उस पे ट्रस्ट नहीं करता। तो आप लोग बताओ कि हमारा एरर क्या कहाँ है। शाबाश, शाबाश, इफ यू टोल्ड मी अबाउट हिज कैरेक्टर आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम एट ऑल। तो आप लोग एरर बताओ कहां है। शाबाश, हैड यू टोल्ड मी, ठीक है, यहां पर कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैड यू टोल्ड मी अबाउट हिज कैरेक्टर, अगर तुमने मुझे उसके कैरेक्टर के बारे में बताया होता, आई वुड नॉट, क्या आएगा, हैव टी आर यू एस टी डी ट्रस्टेड, क्या आएगा, आई वुड नॉट हैव ट्रस्टेड हिम एट ऑल। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, ट्रस्ट को ट्रस्टेड बनाना है और आप लोगों ने हैव साथ में लगा देना है। ठीक है, Had you told me about his character? अगर आप लोगों ने मुझे उसके character के अगर तुमने मुझे उसके character के बारे में बताया होता तो I would not have trusted him at all. मैंने बिल्कुल भी उस पे विश्वास नहीं किया होता। ठीक है, चलो next. If I had money, अगर मेरे पास पैसा होता I would have lent it to you. तो मैं इसको तुम्हें उधार दे देती। ठीक है, क्या है हमारा sentence? If I had money, अगर मेरे पास पैसा होता, ठीक है, If I had money, I would have lent it to you. तो मैं उसे तुम्हें उधार दे देती। तो
फाइंडिंग द एरर, ठीक है, जल्दी जल्दी एरर निकालना होता है। आप लोग एक कॉपी पेन साथ रखा करो, ठीक है, अपने एरर जो है वो उस कॉपी पे नोट किया करो कि कौन कौन सा एरर है, और फिर मिलाया करो कि आप लोगों के एरर जो है ये यहाँ से मैच कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, दैट्स द बेस्ट वे। तो क्या है, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड हैव, आगे क्या आएगा, लेंड की जगह आएगा लेंड, आई वुड हैव लेंड इट टू यू, तो मैं इस उसे तुम्हें उधार दे देता, ठीक है, समझ गए, लेंड की जगह क्या आएगा, लेंड, ठीक है। अच्छा, यू विल रिसीव द वॉक इन इंटरव्यू कॉल, तुम्हें वॉक इन इंटरव्यू कॉल जो है वो तुम रिसीव करोगे, यू विल रिसीव द वॉक इन इंटरव्यू कॉल प्रोवाइडेड दैट यू हैड अप्लाइड बिफोर, लेकिन किस शर्त पे तुम रिसीव करोगे, प्रोवाइडेड दैट यू हैड अप्लाइड बिफोर, कि तुमने उसके लिए पहले से अप्लाई करके रखा हो अगर, ठीक है, क्या है, यू विल रिसीव द वॉक इन इंटरव्यू कॉल, तुम वॉक इन इंटरव्यू कॉल जो है वो रिसीव करोगे, प्रोवाइडेड दैट, क्या है, प्रोवाइडेड दैट यू हैड अप्लाइड बिफोर, कि तुमने उसको पहले से क्या किया हो, अप्लाई किया हो उसके लिए, ठीक है। तो क्या है हमारा एरर कहाँ है, शाबाश, यू विल रिसीव द वॉक इन इंटरव्यू कॉल प्रोवाइडेड दैट यू हैड की जगह आएगा हैव, यू हैव, ठीक है, अप्लाइड बिफोर, यू विल रिसीव द वॉक इन इंटरव्यू कॉल, तुम वॉक इन इंटरव्यू कॉल रिसीव करोगे, प्रोवाइडेड दैट यू हैव अप्लाइड बिफोर, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट पुट इन हार्ड वर्क, अनलेस का क्या मतलब है, जब तक, ठीक है, अनलेस यू डू नॉट पुट इन हार्ड वर्क, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू विल नॉट विन ए स्कॉलरशिप, तो तुम स्कॉलरशिप नहीं जीत सकते, क्या है, अनलेस यू डू नॉट पुट इन हार्ड वर्क, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते, यू विल नॉट विन ए स्कॉलरशिप, तब तक तुम्हें स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिल सकती, तो हमारा एरर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, शाबाश बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश बताओ, आप देखो मैंने आपको बताया था कि अनलेस जैसे होता है, ठीक है, तो ये क्या है, अनलेस क्या है, ये पहले से ही नेगेटिव वर्ड है ना, इसमें पहले से ही है ना, अनलेस जब तक तुम नहीं करते, ना जो है वो इसमें पहले नेगेटिव वर्ड है ये, तो जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये डू नॉट नेगेटिव जो है इसके साथ लगा हुआ, इसको हम यूज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, ये जो डू नॉट साथ लगा हुआ है इसको हम यूज नहीं कर सकते, तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, अनलेस यू पुट इन हार्ड वर्क, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते, क्या आएगा, अनलेस यू पुट इन हार्ड वर्क, जब तक तुम सख्त मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट विन ए स्कॉलरशिप, तुम स्कॉलरशिप नहीं जीत सकते, ठीक है, समझ आगे क्या आया सेंटेंस, अनलेस यू पुट इन हार्ड वर्क, जब तक तुम सख्त मेहनत नहीं करते, यू विल नॉट विन ए स्कॉलरशिप, तुम स्कॉलरशिप नहीं जीत सकते, ठीक है, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट, वर शी हेल्दी शी वुड ट्रेवल एवरीवेयर ऑन फुट, अगर वो हेल्दी होती तो वो हर जगह अपने पैरों पे जा सकती थी, पैरों पे इन द सेंस कि चलकर जा सकती थी, अगर कोई इंसान हेल्दी होगा, ठीक है, तो उसको कहीं भी जाने में मुश्किल नहीं आएगी, वो आराम से चलता चलता जो है वो चला जाएगा, ठीक है, अगर इंसान अनहेल्दी होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो कोई गाड़ी देखेगा, ऑटो देखेगा, रिक्शा देखेगा, ठीक है, ताकि मैं उस पे जा सकूं, तो यही सेंटेंस ही कह रहा है, वर शी हेल्दी, अगर वो हेल्दी होती, शी वुड ट्रेवल एवरीवेयर ऑन फुट, तो वो हर जगह क्या है, पैदल जा सकती थी, अपने फुट पे जा सकती थी, ठीक है, तो बताओ हमारा एरर कहाँ है, शाबाश जल्दी बताओ, शाबाश, वर शी हेल्दी शी वुड ट्रेवल एवरीवेयर ऑन फुट, तो हमारा एरर कहाँ है, तो बेटा इस सेंटेंस
सेंटेंस में देयर इज नो एरर, इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, ठीक है। कोई सेंटेंस इस ये सेंटेंस जो है ये बिना एरर के है, तो आप लोगों ने यहाँ पर नो एरर को टिक करना है, ठीक है। नो एरर, जिस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगा तो आप नो एरर को टिक करोगे। नेक्स्ट वन, इफ ही वर हियर ही वुड हैव लेट द गेस्ट्स गो होम, ठीक है। इफ ही वर देयर, अगर वो यहां होता, ठीक है, ही वुड हैव लेट द गेस्ट्स गो होम, वो गेस्ट को घर जाने देता, ठीक है, घर जाने देता। कई बार होता है ना, कुछ लोग होते हैं, बोलते गेस्ट आते हैं, बोलते नहीं नहीं रुको रुको रुको, कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं गेस्ट आए हैं अब जाए तो हम भी आराम करें, तो फिर यही सेंटेंस है। इफ ही वर हियर, अगर वो यहाँ होता, ही वुड हैव लेट द गेस्ट गो हो, अगर वो यहाँ होता तो वो क्या करता, गेस्ट को घर जाने देता। तो बताओ एरर कहाँ है, शाबाश, जल्दी बताओ, शाबाश। अब ये सेंटेंस है, इफ ही वर हियर ही वुड हैव को निकालना है बाहर, हैव जो है ये हमारा एरर है, तो आएगा इफ ही वर हियर, अगर वो यहां होता, ही वुड हैव को निकालना है बाहर, लेट द गेस्ट्स गो होम, तो वो क्या करता, गेस्ट को घर जाने देता, ठीक है। तो देखो आप, फिर मैं थोड़ी सी और करवाती हूँ, शाबाश। चलो थोड़े से और कर लेते हैं, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है हमारे पास, डू यू माइंड, डू यू माइंड, ठीक है, क्या है, डू यू माइंड इफ आई गो होम अर्ली दिस नून, इफ आई अर्ली दिस नून, ठीक है। नेक्स्ट, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ, ठीक है, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। I had been, if I had been a doctor, I would without any fees, I would have served the poor without any
फीस। ठीक है, ये सेंटेंस। इफ शी स्पोक क्लियरली, क्या है? इफ शी स्पोक क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। ठीक है, इफ शी स्पोक क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड हेल्प्ड हर एंड हेल्प्ड हर। चलो नेक्स्ट वन। ही स्पेंड्स मनी एज दो ही स्पेंड्स, क्या है? ही स्पेंड्स मनी एज दो ही स्पेंड्स मनी एज दो ही वुड बी रिच मैन, ही वुड बी रिच मैन। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, ठीक है, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशंस, इन योर एग्जामिनेशंस वन थिंग यू कैन डू वन थिंग यू कैन डू वॉज टू स्टडी हार्डर। Was to study harder. तो ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं, ठीक है? अच्छा, डू यू माइंड इफ आई गो होम अर्ली दिस नून, कहते हैं कि क्या सेंटेंस है हमारे पास? डू यू माइंड, क्या तुम बुरा मानोगे इफ आई गो होम अर्ली दिस नून, अगर मैं इस दोपहर को जल्दी घर चला जाता हूं। क्या सेंटेंस है हमारे पास? डू यू माइंड, क्या तुम बुरा मानोगे इफ आई गो होम अर्ली दिस नून, अगर मैं इस दोपहर को घर जल्दी चला जाता हूं। तो हमारा एरर कहां है? डू नहीं आएगा, डू की जगह क्या आएगा? विल यू माइंड, क्या आएगा? विल यू माइंड, डू की जगह विल लगेगा, विल यू माइंड, ठीक है? क्या आएगा? विल यू माइंड, क्या तुम माइंड करोगे इफ आई गो होम अर्ली दिस नून। तो ये हो गया, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, वो इस तरह से चलता है जैसे कि अर्थ जो है वो उसी की है। He walks as if the earth belongs to him. वो उस तरह से चलता है जैसे कि अर्थ उसी की है। तो बताओ हमारा एरर कहाँ है? शाबाश, बताओ। देखो इस वाक्य में क्या हुआ है?
प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, एज इफ का। तो जब एज इफ का प्रयोग होता है तो हमेशा जो है सेकंड फॉर्म लगती है, फर्स्ट नहीं, पास्ट में आता है टेंस। तो यहां बिलोंग्स की जगह आएगा बिलोंग्ड, बी एल ओ एन जी ई डी, बिलोंग्ड। तो कहता है ही वॉक्स, वो इस तरह चलता है एज इफ द अर्थ, जैसे कि अर्थ बिलोंग टू हिम, एज इफ द अर्थ बिलोंग टू हिम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ आई हैड बीन ए डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव सर्व द पुअर विदाउट एनी फीस, तो मैं गरीब लोगों की बिना फीस के मदद करता। ठीक है, कितने अच्छे विचार हैं। इफ आई हैड बीन ए डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव सर्व द पुअर विदाउट एनी फीस, तो मैं गरीब लोगों की बिना फीस के ही मदद करता। तो अब बताओ हमारा एरर कहां पे है, शाबाश जल्दी बताओ। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आप लोग डी को टिक करोगे। क्या है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ शी स्पोक क्लियरली, आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड हेल्प हर, अगर वो इफ शी स्पोक क्लियरली, सीधी तरह क्लियरली बात करती है, आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, मैं उसकी प्रॉब्लम समझूंगा, एंड हेल्प हर, और उस मैंने उसकी प्रॉब्लम समझी होती अगर वो सीधी तरह बोलती। ठीक है, क्लियर होके अपनी बात कहती तो आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड हेल्प हर, और मैंने उसकी मदद की होती। ठीक है, तो अब बताओ एरर कहाँ है, शाबाश जल्दी बताओ, शाबाश। देखो यहां पर दो वर्ब्स हैं, एक ही हेल्प्ड, दूसरा प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड से जुड़ जितने भी वर्ड वर्ब्स जो हैं एंड से जुड़े होते हैं, ठीक है, वो दोनों एक ही फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है यानी फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, यहाँ पर हेल्प्ड है तो एंड हेल्प हर, हेल्प की जगह क्या आएगा, हेल्प, क्या आएगा, हेल्प, क्योंकि एंड से जुड़ने वाले दोनों वर्ड जो है वो एक ही जो है फॉर्म में आने चाहिए। तो इफ शी स्पोक क्लियरली, आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड हेल्प हर। नेक्स्ट, ही स्पेंड्स मनी एज दो ही वुड बी रिच मैन, कहते हैं वो इस तरह मनी स्पेंड करता है जैसे कि वो अमीर आदमी है। तो आप लोग बताओ कि एरर कहां है, शाबाश, शाबाश। अब ये सेंटेंस जो है देखो, देखने में ही लग रहा है अटपटा सा, लग रहा है ना आप लोगों को भी कि ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, कहां इस कहां इनकरेक्ट है। देखो ही स्पेंड्स मनी, वो मनी खर्च करता है एज दो ही वुड भी नहीं आएगा, ही वर रिच मैन, किस तरह मनी स्पेंड करता है, जैसे कि वो कोई अमीर आदमी हो। ही स्पेंड्स मनी क्या है, ही स्पेंड्स मनी, वो मनी स्पेंड करता है किस तरह से, ही स्पेंड्स मनी एज दो ही वर रिच मैन, जैसे कि वो अमीर आदमी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशंस, अगर तुम अपनी एग्जामिनेशंस में सही तरह से नहीं कर रहे हो, वन थिंग यू कैन डू वाज टू स्टडी हार्डर, यहां भी एरर कौन सा है दिख रहा है आपको, कहता है अगर तुम, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर एग्जामिनेशंस, अगर तुम अपनी एग्जामिनेशंस में अच्छी तरह नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वन थिंग यू कैन डू, तुम एक चीज कर सकते हो, वाज टू स्टडी हार्डर। अब बताओ एरर कहां है, शाबाश, छोटा सा एरर है, बता दो जल्दी। स्टडी हार्डर जहां लगा है ना, हार्डर की जगह आएगा स्टडी हार्ड, एच ए आर डी हार्ड। तो क्या सेंटेंस बनेगा, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, अगर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो इन योर एग्जामिनेशंस, अपने एग्जामिनेशंस में, वन थिंग यू कैन डू, एक चीज तुम कर सकते हो, वाज टू स्टडी हार्ड, हार्डर की जगह क्या आएगा, हार्ड। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, आप लोग इनको प्लीज करनी चाहिए, जरूर इनको रिवाइज करना, ठीक है, सारी एक्सरसाइज को, तो नेक्स्ट हम कल करेंगे, थैंक यू।